नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सितंबर का महीना और हर तरफ बारिश का फसाना। जी हां, आधा हिंदुस्तान, कई राज्य है बिल्कुल परेशान, क्योंकि बारिश और बाढ़ ने मचाई है ऐसी तबाही। किन राज्यों में मचाई है ये तबाही, कहां है लोग परेशान। कहीं पर बस तिनके की तरह डूब रही है, कहीं पर ट्रक जैसे प्लास्टिक का खिलौना बन गया है बारिश के बीच में। शुरुआत हम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक एक करके तमाम राज्य, जिसमें गुजरात के साथ हम शुरुआत करते हैं। बता रहे हैं आपको कि कौन से वो राज्य है जो सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित हुए हैं, कहां पर हो रहा है असर। राजस्थान, सोचा था कभी रेगिस्तान में ऐसी हालत होगी कि लोग शहर में निकल नहीं पाएंगे, शहर का शहर दरिया बन जाएगा। जी हां, यह कहानी राजस्थान की है। पंजाब में किसान है परेशान, लोग हैं हैरान, क्योंकि सड़कों पर जैसे दरिया बन गया है, शहरों में पानी घुस आया है। और अब बारी उत्तर प्रदेश की। एक राज्य जिसमें सबसे ज्यादा तबाही अगर मची है तो वो है उत्तर प्रदेश। कई जगहों पर बच्चों को स्कूल नाव पर जाना पड़ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तस्वीर है। और एक एक करके जब आप तमाम राज्यों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर राज्य में कमोवेश वही हाल है। बाढ़ और बारिश ने मचा दिया है कोहराम। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर जो तबाही है उसका आलम समझने के लिए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। सड़कों पर जाना, हाईवे पर जाना मुश्किल हो रहा है, सड़कें बाधित हैं, नेशनल हाईवेज बंद हो गए हैं। यह परिस्थिति है उत्तर भारत की। और अब जम्मू कश्मीर के बाद आपको अन्य राज्य भी दिखा देते हैं जहां पर हो रही है भारी परेशानी। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं उत्तर भारत का, इन तमाम जगहों पर बारिश ने कर दिया है लोगों को हैरान परेशान। हैरान और परेशान तो दिल्ली वाले भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली शहर को भिगोने में डुबोने पर इस वक्त यमुना आमादा है। जी हां, जल स्तर हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना का जल स्तर 204 मीटर जो है वो खतरे का निशान है। इसके ऊपर यमुना का जाना परेशानी का सबब बनता है, लेकिन इस वक्त क्या है, खतरे के निशान के ऊपर है जल स्तर यमुना में। और दिल्ली वाले, खास तौर पर वो इलाके जो यमुना के आसपास हैं, वो हो रहे हैं प्रभावित। ये जल स्तर 205 पर इस वक्त है, यानी खतरे के निशान से ऊपर। हम आपको आगे की परिस्थिति दिखाते हैं। 206 मीटर, यानी कल तक माना जा रहा है कि रातों रात ये 2 मीटर और जल स्तर बढ़ सकता है, यानी यहां तक ये पानी पहुंच सकता है, 206 मीटर तक। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कहां तक ये जल स्तर जाने के बाद, 210 मीटर तक जाने के बाद निचले इलाके डूबने का ये जल स्तर है। और इसीलिए आप देख भी रहे हैं जो निचले इलाके हैं, गाड़ी हमने आपको दिखाई है कैसे, मतलब जो भी वहां पर हो, घर हो छोटे, वो सभी उसमें डूब सकते हैं। और ये परिस्थिति 210 मीटर पर करने की है। लेकिन ये जो जल स्तर आप देख रहे हैं, भयावह परिस्थिति। हालांकि अभी तक यमुना ने ये जल स्तर नहीं छुआ है, 207-8 के आसपास ही रहे, लेकिन पूरी दिल्ली डूबने का जो जल स्तर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, 216 मीटर अगर जल स्तर पहुंच जाता है दिल्ली में तो पूरी दिल्ली के डूब जाने का खतरा होता है। यह परिस्थिति हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और एक बार 205 के स्तर से वो ऊपर होकर 206 पर पहुंच गया है, 2 मीटर और कल तक बढ़ सकता है, और यहां तक पढ़ा तो यह परेशानी। देखिए दिल्ली की स्थिति। जाते जाते मानसून ने एक ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले 3 दिनों से जिस तरह उत्तर भारत में झमाझम बारिश हुई है, ऐसी बारिश तो पिछले 2 महीने में नहीं हुई। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बारिश ने पिछले 3 दिनों से कोहराम मचा रखा है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हो रही झमाझम बारिश ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2 दिनों से सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए और दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, कभी तेज बारिश हो जाती है, लेकिन ये सिलसिला जो है वो रुक रुक कर जो है वो चल रहा है।
कल देर रात भी जो है तमाम जगहों पर दिल्ली की जो है लगातार जो है बारिश हुई थी कई जगहों पर, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रुक गई थी बारिश। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बहरहाल इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। वेदर जो है इस वक्त जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा और दिल्ली में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के चलते यमुना उफान पर है। हथनी कुंड बैराज से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। इस वक्त हम मौजूद है यमुना के बीचम बीच। हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यमुना पूरी तरीके से उफान पर है और पूरा जो अगर कहा जाए पानी का जो लेवल है वो खतरे के निशान से यमुना जो है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और लगभग 1,34,000 क्यूसेक पानी शाम तक जो है वो और आ जाएगा और आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराएगा। यमुना में आए भयानक उफान के चलते आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, जिसमें दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है वो हैं वजीराबाद, गढ़ी, मांडू, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, गांधीनगर, सोनिया विहार, जगतपुर, ओखला, बाटला हाउस, सराय काले खां, मदनपुर खादर और राजघाट का इलाका। पिछले दिनों लगातार बारिश के चलते यमुना में उफान आया था, लेकिन तब भी यमुना इतने रौद्र रूप में नहीं दिखाई दे रही थी जितना इस बार यमुना की लहरें कोहराम मचा रही हैं। यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। खतरे का निशान 204 मीटर है, लेकिन यमुना का जलस्तर आज 205 मीटर तक पहुंच गया। ऐसी आशंका है कि देर रात तक यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है। हम आपको बता दें कि अगर यमुना का जलस्तर 210 मीटर तक पहुंच गया तो निचले इलाके पूरी तरह से डूब जाएंगे और अगर कहीं यमुना का जलस्तर 2016 मीटर तक पहुंचा तो पूरी दिल्ली के डूब जाने का खतरा है। देखिए यमुना का जो अभी वाटर लेवल है 204.84 जो डेंजरस लेवल भी है उसको टच कर गया है, तो जिसको लेके अभी हमने मोनादी अपने ज़िले में जितने भी यमुना नदी के साथ साथ जो ज़िले लग रहे हैं सभी जगह मोनादी शुरू करवा दी गई है। लोगों को इवैक्यूएट करवाना शुरू कर दिया है। पुलिस को भी डीएम ऑफिस की तरफ से डायरेक्शन दे दी गई हैं कि जो लोग लो लाइन एरिया में रह रहे हैं वो सभी जल्द से जल्द बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएं। यूं तो उत्तर भारत में जुलाई और अगस्त महीने में भारी बारिश होती है, लेकिन इस बार सितंबर महीने में बारिश ने पिछले 8 सालों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये जो सिस्टम है खासतौर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए 22 तारीख से शुरू हुआ था, तो 22, 23, 24 में बहुत अच्छी बरसात हुई थी और आज भी बरसात अच्छी रिकॉर्ड हुई। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई जगह भारी से बहुत भारी बरसात रिपोर्ट हुई है जो करीब 15 से 16 सेंटीमीटर तक थी। वहीं जो हैवी रेन हुई है वो उत्तराखंड में पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी यहाँ हैवी हुई है। जनरली देखा गया है कि सितंबर के लास्ट में एपिसोड इस तरह के जो रेनफॉल के एपिसोड हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए ये ऑकेजन होते हैं, रूटीन नहीं है, कभी 4 साल 5 साल में इस तरह का दौर आता है। दिल्ली एनसीआर में इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई। इस बारिश ने तपते मौसम में राहत तो दी लेकिन मुसीबतें भी कम नहीं हुई। इस साल बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें धराशायी हो गईं। वहीं इमारतों के गिरने के खतरे की वजह से बहुत से लोगों को बेघर तक होना पड़ा। जब जब बारिश हुई सड़कों पर घुटने भर से लेकर कमर तक पानी भर गया। इस बार की बारिश में दिल्ली का प्रहलादपुर इलाका सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जहां हर बार की तरह तेज बारिश के चलते रेलवे अंडरपास लबालब हो गया। चिराग गोठी, पुनीत शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। तो खतरे के निशान से ऊपर बहती यमुना आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत नहीं, क्योंकि भारी बारिश लगातार दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है और यही हालत रही तो 2 मीटर तो अभी रातों रात यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। और यह बारिश सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर में जो मॉनसून है इस बार जो बारिश है वो सामान्य से ज्यादा है, 105% बारिश। यानी सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो सामान्य स्तर है वो देखिए 109.3 ये मिलीमीटर, 109.3 सामान्य है, तो दूसरी तरफ देखिए 224.8 मिलीमीटर जो कि सामान्य से कितना ज्यादा है ये आप देख रहे हैं, डबल से भी ज्यादा। यानी इस साल जो बारिश है वो डबल से ज्यादा कई इलाकों में हुई है और इसीलिए 105% का इजाफा
लोगों को कर रहा है परेशान। उन इलाकों की जरा परिस्थिति सोचिए, कहीं पहाड़ है, कहीं उत्तर प्रदेश में मैदानी इलाका है, कहीं पर रेगिस्तान है राजस्थान में, लेकिन हर जगह लोग बारिश से परेशान। बारिश और बाढ़, आजकल जिधर भी जाइए, खासतौर पर दिल्ली हो, पहाड़ी इलाके हो, इधर पूर्वी उत्तर भारत के, हर जगह बस बारिश की ही चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, आपको दिल्ली की परिस्थिति दिखाकर फिर से शुरुआत करते हैं। यमुना का जलस्तर, लगातार हो रही बारिश ने जो खतरे का निशान 204 मीटर का है, यमुना का ये सामान्य स्तर है, इसके ऊपर जाना यानी परेशानी। 205 मीटर यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है, लेकिन यहां से ऊपर, अगर यहां से ऊपर यमुना का जलस्तर आ जाता है तब परेशानी का सबब बन सकता है। और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां तक जाने का मतलब है 206 मीटर। रात तक अगर बारिश में इजाफा होता है 2 मीटर तक ये जलस्तर और ऊपर जाता हुआ यहां तक पहुंचेगा। 210 मीटर हम आपको बता रहे हैं, निचले इलाके डूबने के लिए यह जलस्तर होता है 210 मीटर। यहां तक हालांकि अभी यमुना का जलस्तर गया नहीं है, ज्यादातर 208 इलाके, कई 208 मीटर के आसपास तक पहुंचा है, कई निचले इलाके तो डूब जाते हैं, लेकिन ये जो खतरे का निशान हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये 216 मीटर तक अगर ये जलस्तर पहुंच जाता है तब किस तरह की परेशानी हो सकती है, खतरे का निशान क्या हो सकता है, पूरी दिल्ली डूब सकती है अगर ये जलस्तर दिल्ली का पहुंच जाता है। तो हमने आपको एक एक करके दिखा दिया है कि खतरा कितना है, रातों रात क्या हो सकता है, लेकिन ये परिस्थिति 5% ज्यादा बारिश हुई है, 109.3 मिलीमीटर ये सामान्य स्तर है, लेकिन इस बार कितनी बारिश हुई है, 224.8 मिलीमीटर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 105% ये जो ज्यादा बारिश हुई है उसी का असर है कि देश भर में ऐसी परिस्थिति है। अब आइए आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं, जरा देखिए इन परेशानियों को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश, किस तरह से लोग हताश है, सड़कों पर निकलना मुश्किल है, नेशनल हाईवेज में लोग परेशान। कुदरत पता नहीं हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या ठान कर बैठी है। मानसून जाते जाते तबाही का वो खौफनाक मंजर दिखा रहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मच गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 8 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी अब हो रही है। पिछले 3 दिनों में बारिश, बाढ़ और बर्फबारी से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों रुपए की संपत्ति पानी के साथ बह गई। पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में तबाही ने कौन कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, बारिश और बाढ़ से हिमाचल के कौन कौन से इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मची, कैसे हिमाचल प्रदेश की नदियां काल बन गई। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, भारी बारिश के कारण सभी जगह, सभी नदियों में, चाहे वो ब्यास है, चाहे वो सतलुज है, चाहे वो रावी है, जो बड़ी हमारी हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं, और इन तीनों नदियों में जलस्तर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और 1995 में जो जलस्तर गया था उससे भी ज्यादा, ब्यास में तो उससे भी ज्यादा जलस्तर चला गया है। इस मानसून ने जाते जाते जो कहर बरपाया उससे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैरान भी हैं और परेशान भी, लेकिन कुदरत के आगे हर कोई बेबस है, लाचार है, तबाही का मंजर देखने के सिवाय कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के पालमपुर लिए चलो। हिमाचल में नदियां कैसे काल बन रही हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि बरसात में नदी उफन रही है और किनारे पर कुछ लोग खड़े हैं, नदी के दूसरे किनारे पर 2 लोग फंसे हुए हैं। उफनती लहरों के बीच जान फंसी तो लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ गया। आप देख सकते हैं कि कैसे रस्सी के सहारे लोगों को बचाया जा रहा है। ये लोग 10 घंटे से कांगड़ा के सौरभ वन विहार में फंसे हुए थे। बादल फटने से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। वन विहार टूरिस्टों की पसंदीदा जगह है, लेकिन भारी बारिश ने इस इलाके में तबाही मचा रखी है।
हिमाचल प्रदेश के इन शहरों पर कुदरत सबसे ज्यादा प्रहार कर रही है। ये तीनों शहर तबाही की वो त्रासदी झेल रहे हैं जहां मौत के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। चंबा में चमेरा डैम के गेट खोल दिए गए हैं तो मंडी में पंडोह डैम और लारजी डैम के गेट खोले गए हैं। ये डैम खतरे के निशान के करीब पहुंच गए हैं जिसके चलते इनके गेट खोले गए। ये हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की तस्वीरें। बिलासपुर के मशहूर भाखड़ा डैम के करीब पहाड़ ऐसा टूटा कि भूस्खलन से हिमाचल पुलिस का बैरियर तहस नहस हो गया। गनीमत ये रही कि पुलिस कर्मी इसकी चपेट में नहीं आए। बिलासपुर में नैना देवी का विश्व विख्यात मंदिर है। यहाँ टूरिस्टों का जमावड़ा लगा रहता है लेकिन भूस्खलन के चलते 10 घंटे तक रास्ते बंद रहे। मौसम बहुत खराब है और उसकी वजह से वो भी माता जी का मतलब भी बुलावा था कि यहाँ आना पड़ा। कितना भी मौसम खराब हो या कुछ भी हो तो देवी की मेहरबानी है और हम कौन होते हैं। बिलासपुर में कुदरत का कहर ऐसा टूटा कि मूसलाधार बारिश से घर बार भी धराशायी हो गया। बरसात पड़ रही है तो सड़कां भी बंद हो गई, मकानों में खतरा हो गया, फसलों का नुकसान बहुत हो गया, बहुत भारी बरसात जो है नुकसानदायक हुआ। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में 856.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसके पहले 2010 में 888.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बीते तीन दिन में हिमाचल में 128 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। बारिश से हिमाचल प्रदेश में अब तक 1280 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचा है। एक तरफ तो बारिश और बाढ़ से हिमाचल प्रदेश तबाही की त्रासदी झेल रहा है, दूसरी तरफ ऊपरी इलाकों में भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में अचानक हुई बर्फबारी में 300 से ज्यादा लोग फंसे हैं। इनमें आईआईटी रुड़की के 35 छात्र भी शामिल हैं। ये लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने गए थे तभी बर्फबारी शुरू हो गई और इनसे संपर्क टूट गया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम काल बन गया है। आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश की ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। कई राज्य हो रहे हैं प्रभावित। पहाड़ी इलाकों में देखिए, जब जब बारिश से लोग परेशान होते हैं उसका मतलब समझिए, सड़कों पर निकलना मुश्किल, हाईवे पर निकलना मुश्किल, क्योंकि पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा होता है और ये खतरे रोजाना मोड़ लेकर लोगों को निकलना पड़ता है। किस किस की तरह की मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं उत्तराखंड में, देखिए इस रिपोर्ट में। फंता नाला और शोर शराब, नाले में बाहर जा रहा एक शख्स और उसे बचाने में जुटे लोग। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं जहां दो बाइक सैलाब में बह गए। सबसे पहले देखिए कैसे ये शख्स उफनती लहरों के बीच बाइक पार करने की हिमाकत करता है, फिर बाइक से नियंत्रण खो बैठता और उसकी बाइक पानी में बह जाती। वो तो गनीमत ये रही कि पास ही खड़े लोगों ने बाइक सवार को थाम लिया, वरना वो भी लहरों के साथ बह जाता, इसमें कोई शक। अब इस वाक्य से महज थोड़ी देर पहले की एक और तस्वीर देखिए। अचानक ये नौजवान पानी की तेज बहाव के बीच गिरता है, फिर किसी तरह संभलता है। इसके आसपास लोग मौजूद हैं तो लोग इसे तुरंत किनारे आने की सलाह देते हैं। समझदारी और हिम्मत दिखाते हुए ये लड़का किनारे आ गया और किनारे आते ही ये दौड़ने लगा क्योंकि इसकी बाइक को लहरें अपने साथ मामूली खिलौने की तरह बहा कर ले जा रही थी। दरअसल ये शख्स भी लहरों को चुनौती देते हुए बाइक से इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन पानी की चपेट में आ गया। अपनी परवाह ना करते हुए ये लड़का बाइक बचाने की कोशिश करने लगा लेकिन लोगों ने इसे वक्त रहते समझाया और ये किनारे पर आ गया। हालांकि इन दोनों वाकियों में बाइक सवार की जान तो बच गई लेकिन आफत की बारिश से पहाड़ों पर पैदा हुए खतरनाक हालात की ये तस्वीरें
तस्दीक जरूर कर दी। पूरे उत्तराखंड के साथ ही हल्द्वानी में भी मूसलाधार बारिश जारी, जिस कारण से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश बहुत तेज है, चाहे दोपहिया वाहन हो या चार पहिया या फिर पैदल आवाजाही करने वाले लोग, सभी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जाम लग गया। सर हमेशा पानी उफान में रहता है, आप जैसे कि देख रहे होंगे पीछे अभी पानी काफी तेज चल रहा है। हम अभी भी इधर से निकल रहे हैं और हमें अभी बैग जाने में परेशानी हो रही है। वैसे आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले कुछ घंटे बादल ऐसे ही बरसते रहने की आशंका है, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश हुई है। जाहिर है इन हालात में लोगों का घर से बाहर निकलना खुद को जोखिम में डालने जैसा है, तो पहाड़ों पर इस बार ठंड जल्द आने की पूरी उम्मीद है। मौसम अभी से सर्द होने लगा है। आज तक ब्यूरो। बात बारिश और बाढ़ की हो रही थी, लेकिन इस वक्त आइए आपको सीधे अपडेट दे देते हैं क्रिकेट की। 253 रनों का लक्ष्य भारत के सामने, भारत अफगानिस्तान के एशिया कप में टीम इंडिया को 253 रनों का लक्ष्य मिला है। अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर बनाए हैं 252 रन, और इसी पर बातचीत करने के लिए अब विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ जाएंगे। मोहम्मद शहजाद ने सबसे ज्यादा 124 रन। मुझे विक्रांत शहजाद पर ही पहला सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि मोहम्मद शहजाद माशाल्लाह देख के बड़े खाए पिए लगते हैं। 124 रन, जो हमारे हिंदुस्तान में योयो टेस्ट चल रहा है अंजना, मतलब ये उसकी उल्टी एडवर्टाइजमेंट है कि योयो टेस्ट नहीं होना चाहिए। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए योयो टेस्ट, मेरी फिटनेस इतनी है कि मैं छक्के मार सकता हूं। आज उन्होंने बैटिंग की, 124 रन उस अफगानिस्तान के बल्लेबाज ने, जिसे देखकर आप कहेंगे यार कि ये बंदा ओवरवेट है। उसके अलावा नबी ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और अगर आप पूरी टूर्नामेंट में देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश से बेहतर अफगानिस्तान खेला है। आज अफगानिस्तान की ताकत है गेंदबाजी, और उन्होंने बैटिंग में 250 रन बनाया 3 मैचों में। इंडिया के खिलाफ अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की है, लेकिन एक एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ रिस्क है। इंडिया भले ही बहुत अच्छी टीम है, पूरी टूर्नामेंट लगातार अच्छी खेली है, इन्होंने आज 4-5 बदलाव किए हैं। शिखर धवन नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, ऑफकोर्स ये इंडिया का ड्रेसिंग रूम है। केएल राहुल के साथ शायद अंबाती रायडू ओपन करें या दिनेश कार्तिक करें, ये टारगेट बौना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये टारगेट बौना नहीं है, चूंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास राशिद खान है, बट फिर भी यहां से इंडिया को जीतना चाहिए। जीतेंगे, ये जीतना चाहिए। 200वां मैच है ये ओडीआई जिसमें कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। भी क्या चीज होती है, 199 पर वो सफर खत्म हो गया था और आज कप्तानी मिल गई। मतलब आज और धोनी कप्तान, मतलब कप्तानी छोड़ चुका इंसान कभी दोबारा कप्तानी नहीं करता। और देखिए हैरानी की बात यह है कि शिखर धवन थे वाइस कैप्टन, उनको भी आराम कराया गया, और शिखर धवन इस वक्त सोच रहे होंगे यार जिंदगी में एक मैच की कप्तानी करने का तो मौका मिला था, मेरी टीम मैनेजमेंट की सोच है। शायद जेस्चर भी हो सकता है, जी ये जेस्चर भी हो सकता है कि धोनी 199 हो सकता है। उन्होंने कभी मजाक में कहा हो कि यार मेरे 200 मैच नहीं हुए कप्तान के तौर पर, उन्होंने कहा चलो आज आप कर लो। बट आज रिएक्शन भी यही है, चारों तरफ अगर आप देखें तो धोनी ही ट्रेंड कर रहे हैं और शहजाद ट्रेंड कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से टेक अवे लाइन आपका वही है कि वो स्कोर को आप बोना स्कोर ना समझें, मतलब खेले ठीक से खेले, क्योंकि उनका स्पिनर्स अच्छे हैं। राशिद खान राइट आर्म लेग स्पिनर है, और इतिहास ये कहता है कि भारत के बल्लेबाज राइट आर्म लेग स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, हालांकि वो आईपीएल में भी खेलते हैं। लेकिन यह है कि अफगानिस्तान की टीम 2 क्लोज मैच हारी है, पाकिस्तान से एंड में जाकर हार गई, बांग्लादेश से आखिरी गेंद पर हार गई। कभी ना कभी जीतेंगे, कभी ना कभी जीतेंगे, बस यही है कि इंडिया की पार्टी आज ना स्पॉइल कर दे। इंडिया फाइनल में ऑलरेडी है, बट अभी भी आप देखें जिस तरह की इंडिया की टीम है, हो सकता है अंजना की बाकी बल्लेबाजों को मौका मिल जाए रन बनाने का, हो सकता है बाकियों को मौका मिल जाए जो रोहित और शिखर के चलते नहीं मिल रहा। लेकिन आप देखिए शॉर्टेज उन्होंने मारी है, ये है शहजाद, ये आउट होने वाला उनका गेंद है, लेकिन आप उनकी फिटनेस तो देखिए, 124 रन बनाए उन्होंने और पूरे 50 ओवर खेल जाते 200 बना देते आज। ये आपने अच्छा कहा वैसे कि रोहित और शिखर धवन के अलावा बाकी लोगों को भी आज मौका मिला। अच्छा ड्रेसिंग रूम वही है, वो इंतजार करें खिलाड़ी, कहते हैं ना कि फुटबॉल में यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट मोमेंट एवरी मोमेंट टू स्कोर अ गोल, और तभी हम जीतेंगे। तैयार होना चाहिए आज, तभी हम जीतेंगे, जीतना चाहिए, पार्टी हमारी चले। हाँ, क्योंकि हमें इंतजार है ना पाकिस्तान का फ्राइडे फाइनल। देखते रहिए आज तक, लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।